नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में पिछले 24 घंटे से चर्चा हो रही है दो बीजेपी के दिग्गजों की। पहला नाम है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का और दूसरा आसाम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का। राजे का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल राजनीति में जो लोग जिस अंगुली को पकड़कर चलना सीखते हैं, सबसे पहले उसी अंगुली को काटने की कोशिश करते हैं। वसुंधरा ने यह संदेश इस बयान के जरिए किसे दिया, ये बात समझने की है। जब साथ साथ वसुंधरा राजे ये भी याद दिलाती हैं 1967 की इतिहास में ले जाकर कि मध्य प्रदेश में उनकी माते विजय राजे सिंधिया ने ही पहली संघ की सरकार बनवाई थी मध्य प्रदेश में। वसुंधरा राजे ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन ही सर्वोपरि होता है, व्यक्ति नहीं, और वो भी पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता है। संगठन में हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। ये दोनों स्टेटमेंट जो उन्होंने दिए, वो संदेश किसको है? राजनीति के जानकार सीधे सीधे इसे समझते हैं और इसे पार्टी में आज वसुंधरा राजे के साथ जिस तरह का व्यवहार, रवैया, सलूक हो रहा है, उससे वो आहत हैं, लेकिन वो हार मानने वाली भी नहीं है, इस तरह से भी जोड़ रहे हैं। और ये सीधा संकेत उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। लेकिन एक और चर्चा गुलाब चंद कटारिया के उस वीडियो की हो रही है जिसमें वो मंच पर वसुंधरा राजे का स्वागत करने वाले स्वागत करने के लिए आने वाले एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, लेकिन एक बुजुर्ग जो संघ से जुड़े हुए हैं लंबे समय से और वसुंधरा राजे को मंच पर आकर सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे को मंच पर सम्मानित नहीं करने दिया गुलाब चंद कटारिया ने, और उन कार्यकर्ता को वापस नीचे की तरफ भेजा। सिर्फ भेजा ही नहीं बल्कि पुलिस की मदद से भिजवाया, क्योंकि वो गुलाब चंद कटारिया डटे रहे कि वो मंच पर वसुंधरा राजे का सम्मान नहीं कर सकते अभी कार्यक्रम के बीच में। का जो कि एक एडवोकेट हैं और एक छोटा सा संगठन भी चलाते हैं वसुंधरा राजे के समर्थन में, और वो कार्यकर्ता उदयपुर में थे और ये वसुंधरा राजे का उस मंच पर सम्मान करना चाहते थे जिस मंच पर वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया सेंट्रल सीट पर बैठे हुए थे। दोनों एकदम साथ साथ बैठे हुए थे और वसुंधरा राजे का सम्मान यहाँ इस मंच पर गुलाब चंद कटारिया ने नहीं करने दिया। इस उम्र में भी उन्होंने कार्यकर्ता को कैसे नीचे की तरफ धकेला, पुलिस की मदद ली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे जो एंकर थे उनको बीच में आना पड़ा, और इस तरह का वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है कि आखिर राज्यपाल के पद पर रहते हुए गुलाब चंद कटारिया ने ऐसा क्यों किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया जो शासन में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए कभी भी एक दूसरे के पक्ष में नजर नहीं आए, आखिर वो दोनों एक मंच पर एक साथ कैसे पहुंचे? ये कौन सा कार्यक्रम था जिसकी चर्चा हो रही है? दरअसल 23 जून 2024 जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी अवसर पर राजस्थान के मेवाड़ में और उदयपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजनकर्ता सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट था। सुंदर सिंह भंडारी भी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उदयपुर से आते थे, बहुत कम बोलते थे। पार्टी ने उन्हें दो बार राज्यसभा भेजा, राजस्थान और गुजरात के राज्यपाल भी रहे, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बने। तीसरी बार भी पार्टी उन्हें राज्यसभा राजस्थान से भेजना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी कार्यकर्ता को भेजना चाहिए। सुंदर सिंह भंडारी उन व्यक्तियों में से एक थे जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी थे। भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो उसका संविधान बनाने वाले कुछ एक व्यक्तियों में से एक थे। सुंदर सिंह भंडारी की जब मृत्यु हुई तो उनके सम्मान में गुलाब चंद कटारिया और कुछ बीजेपी के समर्थकों ने मिलकर सुंदर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, जिसके बैनर पर, जिस ट्रस्ट के तहत हर साल इसी 22 और 23 जून को बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी आनुषांगिक संगठन हैं उनके कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शुरुआत में जब ये ट्रस्ट बना था तो इसके अध्यक्ष भी खुद गुलाब चंद कटारिया थे,
और राज्यपाल बनने के बाद क्योंकि वो इसके अध्यक्ष नहीं रह सकते, लेकिन पूरे कार्यक्रम का, पूरे ट्रस्ट का जो भी कार्यक्रमों का संचालन होता है वो गुलाबचंद कटारिया के मार्गदर्शन में ही होता है, ऐसा भी कहते हैं। इस ट्रस्ट के संचालन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो दरअसल आरएसएस के बहुत करीबी लोग माने जाते हैं, और इसीलिए मंच पर भी जितने लोग हम देख रहे हैं उसमें भी मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत तमाम वो लोग थे जो संघ के बेहद करीब माने जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वसुंधरा राजे ने संघ के बैनर से, यानी कि जो सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट है इसके कार्यक्रम से जो संदेश दिया है, बीजेपी को कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का जो संदेश दिया है, इसका मतलब क्या संघ, वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया राजस्थान की राजनीति में ये तीनों मिलकर कुछ नया संदेश देना चाहते हैं? पिछले दिनों हमने सुना था कि वसुंधरा समर्थक जितने विधायक हैं वो लामबंद हो रहे हैं राजस्थान में। जब से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है तब से ही एक बेचैनी है। सवाल ये भी है कि वसुंधरा राजे के बेटे को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया तब से वो और भी नाराज हैं। तो क्या राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया, गुलाबचंद कटारिया खुद जब से असम के राज्यपाल बनाए गए तब से सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। चुनाव से पहले ही उन्हें, विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जिस तरह असम का राज्यपाल बनाकर यहाँ की सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया था, तो क्या ये दोनों अब मिलकर राजस्थान में सत्ता का एक नया केंद्र बन रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि सत्ता के लिए कहते हैं कि सत्ता में कुछ भी, यानी मित्र और शत्रु दोनों ही जो हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। एक वक्त था जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया थे, और कई बार ऐसे बयान उनके आए जो वसुंधरा राजे के खिलाफ होते थे। एक बार उन्होंने ये भी कहा था, जिसे मैंने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया अब वो मुझे आंख दिखाती है। वसुंधरा राजे के विरोध में गुलाबचंद कटारिया ने मेवाड़ में बाकायदा यात्रा भी निकाली थी, लेकिन अब सुंदर सिंह भंडारी को याद करते हुए दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि गुलाब जी भाई साहब ने कैसे सुंदर सिंह भंडारी के जो मूल्य थे उनको कैसे आगे बढ़ाया, एक कार्यकर्ता को कैसे सम्मान दिया। लेकिन एक कार्यकर्ता जो मंच से बुजुर्ग निराश होकर नीचे लौटा, क्या वो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उन्हें सम्मानित नहीं कर पाया? वहां बैठे हुए लोगों का कहना है कि जब कार्यक्रम खत्म हो गया और खुद गुलाब जी मंच पर आए भाषण देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम जो है वो तो कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ही है, इसलिए अब सभी कार्यकर्ता आकर मंच पर जिसका सम्मान करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम के बीच में ऐसा करने से कार्यक्रम की गरिमा और सम्मान खत्म होता। लेकिन सवाल ये है कि दोनों, वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया, जो दोनों एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, वसुंधरा राजे भी जब राजनीति में आई थी तो उनके बुजुर्ग जितने उस समय थे, उस दौर में, चाहे वो ललित किशोर चतुर्वेदी हो, ये भी हम सुनते हैं कि कैसे उपराष्ट्रपति रहते हुए भैरव सिंह शेखावत अपने दामाद की सीट बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, और खंडर कहा था वसुंधरा राजे ने भी उस समय के बुजुर्ग नेताओं को। आज उसी दौर से वसुंधरा राजे और उनकी राजनीति गुजर रही है, और वो अपनी जगह मजबूत अपने इतिहास को बताते हुए भविष्य को भी करना चाहती है और वर्तमान को भी। तो क्या गुलाबचंद कटारिया और वसुंधरा राजे की जोड़ी, केंद्र में बैठे हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को कोई संदेश देने में कामयाब हो पाएंगे आज के इस मुश्किल वक्त में जो दोनों का है, वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया का? क्या कोई वो अपने लिए बीजेपी में, केंद्र और प्रदेश में जगह तलाश पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो वक्त के साथ मिलेगा, लेकिन आज की तस्वीर ये है कि आज ये दोनों एक मंच पर एक साथ होकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को नसीहत दे रहे हैं।